चलो आज बनाते हैं बिना ब्रेड की सैंडविच, वो है ढोकला सैंडविच। तो आज हम कुछ नए तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सबका कविता के चैनल में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हमें ना बैटर बनाना पड़ेगा, जिससे ना हम डोसा भी बना सकते हैं, ढोकला भी बना सकते हैं। आप नॉर्मल बार वाला बैटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे हम डोसा बनाते हैं। तो इधर मैंने 2 कप चावल और 1 कप मैंने उड़द की दाल लिया है। सभी को हमें ना मिक्स करके पानी में भिगोना है। चावल और उड़द दाल जितना भिगे ना, हमें बस उतना ही पानी डालना है। सबसे पहले उसको वॉश कर लेना, ताकि उसके अंदर का गंदापन चला जाए। उसके बाद हमें 5 से 6 घंटा भिगोना है। भिगोने के बाद चावल और उड़द की दाल है ना, वो फूल जाएगी कुछ इस तरह से। उसके बाद भिगोया हुआ पानी है वो सारा निकाल लेना है, और वापस हमें 2 पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें मिक्सी जार में डाल के उसको पीस लेना है। थोड़ा सा पानी डालो, ज़्यादा पानी मत डालो। हमें ना जैसे बाहर इडली डोसा का बैटर मिलता है ना, बस हमें वैसे ही थिकनेस रखनी है कुछ इस तरह से। थोड़ा सा डरडरा हाथ में लगना चाहिए। बस बैटर को बाउल में निकाल लो, हमारा बैटर तैयार है। इतने बैटर से आप आराम से 5 से 6 ढोकला तो बना ही लोगे। उसके अंदर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने इधर एक पूरा पैकेट इनो का लिया है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारा जो बैटर है इनो डालने से फूल गया है। अभी एक प्लेट ले लो, हमें ना थोड़ा सा ग्रीस करना है ऑयल से। उसके बाद उसके अंदर ढोकला का बैटर डाल देना है। ढोकला का बैटर ना ज़्यादा मत डालना, हमारा जो लेयर्स है वो पतला होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हम सैंडविच का स्टफिंग लगाएंगे। उसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर डाला है। अभी एक स्टीमर ले लो, इधर मैंने कढ़ाई लिया है। मैं कढ़ाई के अंदर ही स्टीम करूँगी, बिकॉज ये आराम से 10 मिनट में तो हो ही जाएगा। हमें धीमी आंच पे रखना है। 10 मिनट के बाद चेक कर लो एक बार कि कच्चापन तो नहीं है ना। अगर थोड़ा कच्चा है तो आप और 5 मिनट तक स्टीम दे दो। अभी इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होना, तब तक इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हींग। उसके बाद मैंने इधर 3 पोटैटो यानी कि आलू मैंने ग्रेट करके डाला है। उसको थोड़ा चीज़ी फ्लेवर लाने के लिए इधर मैंने चीज़ ग्रेट करके डाला है। और मैंने थोड़ा सा 1 घूंट पानी डाला है। पानी डालने से क्या होगा कि हमारा जो बैटर है ना, वो बहुत अच्छी तरह से बाइंडिंग आ जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा मायोनीज डाला है, क्योंकि हम सैंडविच बना रहे हैं। तो हमारा जो स्टफिंग है वो तैयार है। आप इसके अंदर कांदा भी डाल सकते हो, टमाटर, आपकी मर्जी। आप जो चाहे वो उसका स्टफिंग बना सकते हो। तो हमारे जो ढोकला की प्लेट है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठंडी हो गई है। ठंडा होने के बाद ही उसको डीमोल्ड करना। तो अभी हमें उसको तड़का लगाना है। तो इधर मैंने एक कढ़ाई में 2 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें राय, जीरा और हींग का तड़का लगाएगा। जैसे सैंडविच बनाते टाइम हम ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं ना, बस वैसे ही ढोकला ही सैंडविच है। इसके ऊपर बटर नहीं लगेगा, पर ऑयल का तड़का लगेगा। अभी हम इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे हरी वाली चटनी, और इसके साथ लगाएंगे इमली की चटनी। उससे क्या होगा कि तीखा और खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। वैसे ये चटनी कैसे बनाते हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी। उसके ऊपर आएगा आलू वाला स्टफिंग। तो स्टफिंग हमें सभी साइड फैला देना है बहुत ही अच्छे से। उसके ऊपर हम डालेंगे ऑनियन। ऑनियन ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालो। और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है, और बारीक सेव डाला है। उसके बाद हमारे सैंडविच तैयार है। के छोटे छोटे पीस करके हमें चटनी के साथ इसको सर्व करना है। तो आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सही ढोकला सैंडविच है, 1 पर्सन के लिए ये 1 ही ढोकला सैंडविच काफ़ी है, क्योंकि 1 से ही सारा पेट भर जाता है, क्योंकि स्टफिंग भी आती है। तो मेरे जो बैटर बना था ना, उससे मेरे आराम से 5-6 ढोकला तो बन ही गया था। तो आप इस हिसाब से ढोकला बनाना घर पे। ऐसे नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।